गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए और इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग और धर्मशाला का अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है 10 आवर्स दिखा रहा है। सो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, अभी के लिए निकलते हैं। इट्स 4:46 इन द मॉर्निंग, हम लोग नीचे आ चुके हैं और बस अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, बिकॉज ऑलरेडी हम लेट हैं। हमारा प्लान था निकलने का सुबह 4 बजे, बट समहाउ नहीं निकल पाए। अब जल्दी से निकलते हैं। इस बार हम लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे ऑफ अराउंड 6 डेज, और हम लोग हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। उसमें भी हम धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, खजियार और होपफुली अमृतसर, ये सब कवर करके ऑलमोस्ट 5-7 डेज में विल हैव फन। तो अभी हम नोएडा से निकल के ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ आ गए, सबने ले लिया है, वहाँ से हम सोनीपत निकले। तो ये रास्ता ज़्यादा सर बेटर लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं मूर्थल और इट्स 6 in the morning। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आगे कहीं रुकेंगे अम्बाला में, तो हम ये क्रॉस कर रहे हैं। जो अभी तक की जर्नी का जो टाइम था वो 7 घंटे हो चुके हैं मेरी फ्लाइट से, और हम मूर्थल क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पे आई डोंट नो एक्सीडेंट था या कोई व्हीकल का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, बट वहाँ पे अराउंड 24 मिनट्स का जाम दिखा रहा था। तो हमें कुछ कार्स और बसेस रॉन्ग साइड आने से दिखी और हम लोगों ने भी टर्न ले लिया। उससे हमने ऑलमोस्ट मतलब मोर देन हाफ एन आवर शायद सेव कर लिया होगा। कोई अंदर से गांव से रास्ता है राइट, हम किसी गांव के एरिया में से अंदर की तरफ निकल रहे हैं एंड बाद में जाके वो बाहर हमें मिला देगा। ट्रैफिक भी रोड्स पे पड़ रहा है कंपैरेटिवली। सो गाइस, डिफरेंट पैचेस में हमें फॉग मिल रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि विजिबिलिटी कम हो। बट आगे आगे हमारे को अलग अलग पैचेस में आपको दिख रहा होगा फॉग है। जैसे अभी एक पैच में एंटर करेंगे, आपको मे बी कैमरे में ना दिख रहा हो, बट इट्स देयर, इट्स विजिबल इन कैमरा। अम्बाला क्रॉस कर लिए, टाइम हो रहा है 8:30। जा रहे हैं आगे लुधियाना की तरफ। अच्छी धूप निकल गई है बाहर, फॉग भी खत्म हो गया। सो ऑलमोस्ट हमें 3.5 आवर्स हो चुके हैं, 4 आवर्स होने वाले, और 250 किलोमीटर्स हमने क्रॉस कर लिया है। एंड एज पर मैप हम 3 बजे अपने रिजॉर्ट पे पहुंच जाएंगे, बट बीच में हम ब्रेक लेंगे अभी क्योंकि भूख भी लग रही है। थोड़ी देर में रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस, रूपनगर अब 26 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से। अभी हम किसी मार्केट के बीच में से चल रहे हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। चंडीगढ़ स्टेट हाईवे है, चंडीगढ़ मोहाली स्टेट हाईवे है ये, और ट्रैफिक हो गया यहाँ पे बिकॉज 9:15 बज चुके हैं यहाँ पे, तो मार्केट धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए ट्रैफिक भी बढ़ गया है। सो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक लुधियाना के लिए और एक रूपनगर, तो हमें जाना है रूपनगर।
और ये शायद चंडीगढ़ और रूपनगर वाला जो स्टेट हाईवे है उस पे पड़ता है। अभी हमने मंगवाए हैं आलू पराठा विथ कर्ड ऑन डिमांड ऑफ कायदा। हमारा पराठा आ गया विद यम्मी वाइट बटर। तो अब हम पराठा खा के आपसे बात करते हैं जब हम वापस बैठेंगे। अच्छा, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने आधे घंटे के ब्रेक लिए यहाँ पे और अपनी जर्नी फिर दोबारा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस समय हम खरर में हैं और यहाँ से रह गया है 228 किलोमीटर्स। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मम्मा ने गद्दा भी लगा रखा है, इस पे सब सामान है मेरा पूरा। सो अब हम रूपनगर क्रॉस कर चुके हैं और हमें सामने हिल्स दिखने शुरू हो गए हैं। मतलब ऑल तो दूर हैं बहुत, बट हाँ इट्स विजिबल। और अभी अराउंड 200 किलोमीटर्स रह गए सिर्फ हमारा रिजॉर्ट, जो कि धर्मशाला मैक्लोडगंज में है। बट टाइम लगेगा अराउंड 5 आवर्स बिकॉज थोड़ा सा ना एरिया जो है वो हिल्स वाला आ जाएगा स्टार्ट, तो इट टेक्स टाइम। सो गाइस, यहाँ से दो रास्ते अलग अलग होते हैं, एक मनाली चला जाता है और एक अनंतपुर साहिब। तो हमें जाना है अनंतपुर साहिब की तरफ, लेफ्ट है ना? सही जा रहे हैं। यहाँ से हमें नंगल जाना है जो कि 21 किलोमीटर है, उसके बाद हमें पूना जाना है विच इज़ 40 किलोमीटर। सो धर्मशाला का यही रूट है। आपको रूपनगर के बाद जो दो रास्ते कटते हैं मनाली और नांगल के लिए, आपको नांगल वाला रूट पकड़ना है और उसी पे चलना है। तो ये अनंतपुर साहिब का बस स्टैंड है जो अभी निकला है आपका। ये जो राइट हैंड साइड से रास्ता जा रहा है ये है नैना देवी का रास्ता, जो कि यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर्स है और मैं गई हुई हूँ वहाँ पे जब मैं छोटी थी। ये पंजाब है और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। अभी पीछे कीरतपुर का गुरुद्वारा गया है और आनंदपुर साहिब का भी। तो अब हम NFL चौक पहुंच चुके हैं और यहां से पूना जो है वो 18 किलोमीटर रह गए मात्र। गाइस, यहां पे एक क्योस सिचुएशन हो गई है पूरी। आप ये देख सकते हो कि यहां पे ट्रेन आने वाली है, फाटक के बीच में लोग खड़े हुए थे बहुत सारी गाड़ी ले लेके, अब इन्होंने फाटक गिरा दिया है। एक पुलिस की जो वैन है वो बीच में खड़ी है और अब ट्रेन ये कट यहाँ से बिल्कुल टाइम हो गया आने का। अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर हो गए हैं। अभी इस समय आप जो देख रहे हो हम हिमाचल में चल रहे हैं। अभी जस्ट पीछे एक गेट गया है जो कि हिमाचल का एंट्रेंस था और यहाँ पे हमने 40 रुपये एक कुछ फी या टोल टाइप कुछ पे किया है। मे भी शायद वो स्वच्छता वाला होगा। यूजुअली आप अगर शिमला भी जाते हो तो ऐसे गेट पड़ता है जहाँ पर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं कुछ अमाउंट से 40-50 रुपये। वो आई थिंक हिमाचल में कहीं से भी आप एंटर करो किसी भी स्टेट से या किसी भी साइड से तो आपको देना पड़ेगा। सो ये हम पहुंच गए ऊना
पूना का आईएसबीटी है, आपको दिख रहा है। इवन पूना के भी रोड्स बहुत अच्छे हैं, अंदर अंदर के सारे रास्ते हैं, एक भी मुझे कहीं पर भी पैश नहीं मिला है, सारे मेन रास्ते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा जीवन फ्रॉम रोड परस्पेक्टिव। यहाँ से 30 किलोमीटर रह गए धर्मशाला, इसको ज़्यादा जल्दी हो रही है एक्चुअली। तो अब हम कांगड़ा पहुँच गए हैं एंड यहाँ से हमारा रिसॉर्ट 27 किलोमीटर ही है, बट टाइम लगेगा अभी भी 1 घंटा। और यहाँ पर ट्रस्ट मी कर्व ज़्यादा है, बट स्टिल रोड्स बहुत ही अच्छी हैं। हिल्स पे थोड़ी थोड़ी ऊपर बर्फ दिख रही है। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, तो और ये जो आप देख रहे हैं पूरा धर्मशाला का एरिया है। यहाँ से बस 10 किलोमीटर और हमें आगे जाना है मैक्लोडगंज, क्योंकि हमने जो अपना रिजॉर्ट बुक किया हुआ है वो मैक्लोडगंज में है। धर्मशाला में भी ऑप्शंस थे बहुत सारे, बट हमारा प्रेफरेंस जो था मैक्लोडगंज था। तो आई थिंक मेन स्क्वायर के पास ही हमारा कहीं पे मेन स्क्वायर है या सिटी स्क्वायर है वो भी जाके पता चले, मेन स्क्वायर ही है। सो बस अब थोड़ी सी दूर और रह गए, हाफ एन आवर का डिस्टेंस रह गया बस अब। सो ये आपका मेन धर्मशाला का मार्केट है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट हमें 11 आवर्स का टाइम लगा है विद फ्यू शॉर्ट ब्रेक्स, बीच में हम आधे घंटे के लिए खाना खाने के लिए भी रुके थे। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं कि धर्मशाला पहुँचने में ऑलमोस्ट हमें 11 घंटे लगे अगर हम अपने ब्रेक्स भी इंक्लूड करें तो। तो हमें 11 घंटे का टाइम लगे और आधा घंटा हो, यानी कि ऑलमोस्ट 11.5 घंटे में हम मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। तो अब आपको हम मैक्लोडगंज जब पहुंचने वाले होंगे तब आपको दिखाते हैं, यहाँ तो अभी हम जाम में फंसे हुए, आगे मैक्लोडगंज पहुँचते तो आपको दिखाते हैं। सो अब ये देवदार के वृक्ष हमें नज़र आने लगे, आई थिंक नीचे कुछ है चर्च है, ये सब हम कल कवर करेंगे, आज हम सिर्फ करेंगे रेस्ट, क्योंकि रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। ऑलमोस्ट 11-12 घंटे हो गए निकले थे, सुबह 4:46 में निकले थे और अभी 4:37 हो रहे हैं। मतलब ऐसा थकान वाला रास्ता नहीं था, बट थोड़ा ड्राइव स्ट्रेस है। आप जब भी यहाँ पे ड्राइव करो थोड़ा केयरफुली करो, क्योंकि कुछ यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो हमेशा टर्न्स पे हॉर्न बजा के ही निकलो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइवर तो थोड़ा सा और केयरफुली आप चलो गाड़ी। पीछे कैसे ले जाना रास्ता, तो यहाँ से दिखा रहा है, मुझे यहाँ से दिखा रहा है, यहीं से जाना है। सो ये मेन स्क्वायर है, ये यहीं से दिखा रहा है ना रास्ता पक्का। यहाँ बहुत सारे मॉन्क्स बैठे हुए हैं, इनका टैक्सी स्टैंड है ये। हाँ ठीक है, यही है और कोई रास्ता ही नहीं है।
मेन स्क्वायर मैक्लोडगंज में पहुंच गए हैं, बट हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से और 4 किलोमीटर ऊपर है जो कि नदी विलेज में पड़ता है। तो हमने ये थोड़ा सा शांति में लिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है, भीड़ भड़का रहता है। तो यूजुअली हम थोड़ा सा जो मेन आपका पॉइंट होता है उससे दूर लेते हैं रिजॉर्ट, सो दैट हमारे को थोड़ा सा शांति मिले। इवन मनाली के व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हमारा जो रिजॉर्ट था वो ओल्ड मनाली में था और उसके आसपास कोई भी कमर्शलाइजेशन नहीं था, इट वॉज जस्ट रिजॉर्ट एट दैट लोकेशन। आप थोड़ा सा शांति में रह सकते हैं अगर थोड़ा सा दूर लेते हैं तो थोड़ा सर शोर शराबे से दूर रहता है ये। यार जगह तो बड़ी अच्छी है ये वाली यार। तो मैक्लोडगंज में बहुत जगहों पे आपको जगह जगह आपको मॉन्क्स मिलते रहेंगे जो यहाँ की मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। यहाँ दलाई लामा टेम्पल भी है, वहाँ पे हम कल विजिट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे सब क्या क्या आप घूम सकते हो यहाँ पे। और यहाँ का रास्ता बिल्कुल सही बना हुआ है, दैट मीन्स मैक्लोडगंज से नदी विलेज का रास्ता जो है वो पूरा सीमेंटेड रोड है और पूरा बना हुआ है। लाइने तुम कह रहे ये नहीं। वी आर अबाउट टू रीच अवर रिजॉर्ट और बहुत ही स्टीप है ये वाला, स्पेशली ये वाला जो पैच है। रोड पूरी बनी हुई है, सीमेंटेड रोड है, मेन स्क्वायर से आप ऊपर के चलोगे जो नदी विलेज के लिए रोड जा रहा है, बट ये जो लोकेशन है बहुत ही ऑसम है और यहां शांत है। हम हिल स्टेशन पे आए और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, ठंडी है हवा। सो दिस इज आवर रिजॉर्ट। कहाँ सो नाउ अब हम अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं जो कि है हिमगिरी रिजॉर्ट्स। हमने चेक इन कर लिया है और हमारा लगेज भी ऊपर जा चुका है, ये हमारी कार पार्किंग में सेट है। हम भी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, ये जा रहे हैं हमारे रितेश जी और कायरा मैडम हु इज सुपर एक्साइटेड। दिस इज द रिसेप्शन एरिया और अब आपको अपना रूम दिखाते। सो हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। It's nice. Swings. है ना? पापा कल चलेंगे स्विंग्स पे। And I guess वो है हमारा रूम, which is on ground floor. It's so chilling here. And this is our room. This one is awesome. Yes. Okay, you liked it? Yes. Okay. This one is open the gate. Correct, Brad. Open the gate. This is our washroom, quite spacious. Sunset. So यहाँ पे हो रहा है sunset अभी। Sunset अभी तुम्हारे आने से पहले just बहुत अच्छा view था। And view is like cool. Friends हम अपने room में आ गए थे, हमने चाय पी ली because हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे। इस time पे रात के time पे बहुत chilling है और ये resort open भी है तो इसलिए ज़्यादा भी हो रहा है। तो अभी के लिए तो थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड कल देखते हैं हम मैक्लोडगंज में कहाँ कहाँ जाएंगे। सो अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।